दिल्ली और मुंबई के बीबीसी के ऑफिसेज पर इनकम टैक्स का एक्शन इस समय चल रहा है। दोनों शहरों में इनकम टैक्स की टीम बीबीसी के कागजात का सर्वे कर रही है। इस बीच बीबीसी और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का बयान भी सामने आ गया है। बीबीसी ने कहा है कि इनकम टैक्स अधिकारी दिल्ली और मुंबई के हमारे ऑफिस में हैं और हम उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इसका हल जल्द निकल आएगा। वहीं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा है कि ये कार्रवाई 2002 के गुजरात हिंसा पर आई बीबीसी की दो डॉक्यूमेंट्रीज के बाद की गई है। उनके अनुसार प्रेस को डराने के लिए सरकार ने फिर से एजेंसियों का इस्तेमाल कर दिया है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की तरफ से यह बयान आया है जिसमें सरकार पर आरोप लगाया गया है कि सरकार ने जो बीबीसी ने 2002 गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है उसके जवाब में उससे डराने के लिए सरकार ने यह कार्रवाई करवाई। इस बीच आज तक के पास बीबीसी ऑफिस के अंदर का एक वीडियो है, देखिए जब आयकर विभाग की टीम बीबीसी के ऑफिस पहुंची तो वहां क्या हुआ। गेट खुलवा रहे हैं आप 10 मिनट से, गेट क्यों खुलवा रहे हैं आप लोग? वारंट आपको पता है, वारंट सील हो चुका है, देखा हुआ वारंट, तब अंदर से चुके आप लोग कौन रखे? आराम से तो बात गेट खुलवा रहे हैं आप 10 मिनट से, गेट क्यों खुलवा रहे हैं आप लोग? बिना वारंट गेट खोलेंगे। वारंट आपको पता है, वारंट सील हो चुका है, देखा हुआ वारंट, तब अंदर से चुके आराम से कांग्रेस ने आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स की कार्रवाई को अघोषित आपातकाल बता दिया तो बीजेपी ने बीबीसी पर भ्रष्टाचार और बेतुकी रिपोर्टिंग का आरोप लगाया है। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, यहां पे कोई भी एजेंसी हो, आईटी हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, चाहे जांच एजेंसियां हो, ये वो पिंजरे का तोता नहीं रही है जो सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस पार्टी की सरकार को फटकार लगाई थी। ये अपना काम कर रही है। बीबीसी के अगर कृत्य देखें, जिसके उदाहरण मैं आपके समक्ष अभी पेश करूंगा, तो ये पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन हो गई है। और दुख की बात यह है कि बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है। यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि।